मेरा मिशन ये है कि मैं अपने बच्चों जवानों नौजवानों के दिलों में इतनी आयतें बसा दूँ कि जब जिस सामने वाले से बात करें तो कुरान की आयत बोले, झूठे की रिवायत न बोले। जो कुछ भी इस आकाश में है और जो कुछ भी इस धरती में है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरा आबिद है, मेरी बंदगी कर रहा है। जो कुछ भी फिजाओं में, घटाओं में, खलाओं में, हवाओं में जो कुछ भी है, इल्ला आतिर रहमान अब्दा, वो मेरी बंदगी कर रहा है, मेरा आबिद है। तो फैसला क्या हुआ, इस कायनात में जो कुछ भी है वो अल्लाह का आबिद है। आबिद यानी इबादत करने वाला, तो कमाल हो गया, यानी जो कुछ भी है वो अल्लाह का आबिद है। सूरज आबिद है, चांद आबिद है, सितारे आबिद है, सैयारे आबिद है, कहकशां आबिद है, जमीन आबिद है, पेड़-पौधे आबिद है, मिट्टी आबिद है। और सूरज ज़ुहर में कहता, कुल इन्ना रहमाने वलद फअना अव्वलुल आबिदीन, मेरे ताहा, मेरे यासीन, मेरे मुज़म्मिल, मेरे मुदस्सिर, अब्दुल्लाह के यतीम, आमिना के लाल, आपकी टूटी हुई चूड़ियों से काबा हुसैन को रोने वाले मोहब्बत, कह दे अगर खुदा के कोई बेटा होता तो इंसान ना होता, मैं मोहब्बत होता क्यों, फअना अव्वलुल आबिदीन, सारी कायनात आबिद है, उनका पहला तो मैं मोहब्बत हूं। यहूदी नस्ल के छिछोरे लोगों को क्या मालूम मोहम्मद क्या है। मेरा 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 पाक नबी का कमाल होगा, पढ़े पढ़े लिखे लोग, पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है, हाथ खोलेंगे और सर उठेंगे तो मुझे पता चलेगा तो कुरान का पैगाम पहुंच गया। भाई फैसला कर लिया अल्लाह ने, मेरे हबीब कह दे, क्या कह दे, फाना अब्दुल आबिदीन, सारी कायनात आबिद है, उनका पहला मैं मोहम्मद हूँ। तो कुरान से फैसला तो हो गया कि सारी कायनात है आबिद और उनका अव्वल है हमारा मोहम्मद, उनका पहला है हमारा मोहम्मद, यानी सूरज बाग में बना, मुस्तफा पहले बना। फैसला तो यही हुआ ना कि जो अव्वल होगा वो पहले होगा, यानी सूरज बाद में बना, मुस्तफा पहले बना, चांद बाद में बना, मोहम्मद पहले बना, सितारे बाद में बने, मोहम्मद पहले बना, सैयारे बाद में बने, मोहम्मद पहले बना, आसमान बाद में बना, मोहम्मद पहले बना, जमीन बाद में बनी, मोहम्मद पहले बना। और अब सुनाए मुल्क में क्या कर तबार अखन नदी तैयद है मुल्क वाला अपन ने शहर खदी अल्लाह ने खला करवा तो बनाया ने क्या लोगों को भाई को ऐसा ना बना। अल्लाह का कहता मैंने जिंदगी को पैदा किया, मौत को पैदा किया, जिंदगी मखलूक वह मौत मखलूक, जिंदगी मखलूक मौत मखलूक, तो हम पर अव्वल है मखलूक, जिंदगी बाद में बनी, मौत पर पहले बना, मौत बाद में बनी, मौत पर पहले बना। तेरे को नबी के दुश्मनों अरे जो मोहम्मद मौत से पहले हो, जिंदगी से पहले हो, ना तेरी तरह जिएगा ना तेरी तरह मरेगा। तो देखिए हक फाति
फातिमा का जीन के सदीक आ रहा हूं बात भी पिता लेकिन कुरान से भाई कमाल हो गया पढ़े पढ़े लिखे लोग पढ़े काम के जुमले जुमले नहीं कुरान बातें नहीं आए थे बातें करने नहीं आया मैं तो आयतें सुनने आया हूं अब हाथ खोलेंगे तो मैं बोलूंगा आयतें लेने से शुरू हो जाओ जिंदगी बाद में बनी मोहम्मद पहले बना मौत बाद में बनी मोहम्मद पहले बना मरता वो है जो मौत के बाद आए मरता तो वो है जो मौत के बाद हो जो मौत से पहले हो वो ना हमारी तरह जिएगा ना हमारी तरह मरेगा कहने की हुजूर तो मर गए आए थे हुजूर लेकिन मर गए अब हम मदीने जाकर क्या करें कमाल हो गया कौन मर गए हुजूर मर गए हुजूर मर गए और तू जिंदा है और तू जिंदा है भाई कमाल बड़े पढ़े मुझे नहीं पता मैं दूसरी मर्तबा रेनाला बोल रहा हूं मुझे नहीं पता रेनाला के मुसलमानों का अकीदा क्या है हुजूर जिंदा या मुर्दा ओकाड़ा के मुसलमानों का अकीदा तो पता है मोमिनों की बात नहीं कर रहा रेनाला के मोमिनों की बात नहीं रेनाला के मुसलमानों का अकीदा मुझे नहीं पता तो हुजूर जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं पता भाई मैं कराची से आया लाहौर अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया हर एक के दोस्त होते उकाड़ा में रेनाला खुद में मुल्तान में कराची में लाहौर में इस्लामाबाद में पिंडी में हर एक के हर जगह दोस्त होते मैं कराची से आया लाहौर अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया वैसे मैं अपने दोस्त के घर पे पहुंचा मैंने देखा मेरे दोस्त पे सफेद चादर पड़ी हुई है चारों तरफ उसके लोग खड़े हैं मैंने अपने दोस्तों का और सलाम अलैकुम लोगों ने कहा उनके दोहरी तेरा दोस्त मर गया फिर मैंने उसे कहा सलाम अलैकुम सलाम मेरे दोस्त सलाम अलैकुम लोगों ने कहा उनके दोहरी तेरा दोस्त मर गया फिर मैंने अपने दोस्तों का जिन पर सफेद चादर पड़ी हुई थी सलाम अलैकुम लोगों ने कहा उनके दोहरी तुम दीवाने हो गए हो तुम पागल हो गए हो तुम मरे हुए को सलाम कर रहे हो अगर मोहम्मद मर गए तो ये नमाज में उसे सलाम कर चले गए तो ये मरे हुए को सलाम क्यों कर क्या है सलाम अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाह व बरकातहू ए नबी आप पर मेरा सलाम हो आप पर ए नबी आप पर मेरा सलाम हो रेनाला से बैठ के कह रहे हो आप पर सलाम हो लाहौर से बैठ के कह रहे हो आप पर सलाम हो कराची से बैठ के कहते हो आप पर सलाम हो जबान पर नबी हाजिर है दिल में नबी गायब है मेरा मोहम्मद कुरान वाला मोहम्मद भाई कमाल हो गया तो अब कोई भी मुसलमान हो कोई भी हो किसी भी फिरके का हो 73 के 73 फिरके वो हनफी हो मालिकी हो शाफी हो हम्बली हो जैदी हो जाफरी हो किसी भी फिरके का हो किसी भी फिरका मानने वाला हो लेकिन जब नमाज खत्म करेगा तो मेरे मोहम्मद को सलाम करना पड़ेगा नमाज के आखिरी जुमले क्या है नमाज खत्म कहां पे करते हैं जल्दी बताओ नमाज खत्म कहां पे करते हैं नमाज खत्म होती है सलाम पर तहियात के बाद तशहुद के बाद क्या कहते हैं सलाम अलैका अय्युह नबी व रहमतुल्लाह व बरकातहू हर मुसलमान जब नमाज खत्म करेगा तो पाक नबी को सलाम करेगा और यही मुसलमान अपनी किताबों में लिख के भूल गया कि जब मेरा मोहम्मद सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए निकल गया तो पहले सैयदा के दरवाजे पर आ गए आप जी सलाम हाथ नहीं बांध रहे हाथ नहीं बांध रहे यही मेरा मोहम्मद जब सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए निकलता तो पहले फातिमा के दरवाजे पे आता और आके कहता सलाम अलैकुम के अंदर पर तो मैं सलाम हो फिर जाके मेरा नबी नमाज पढ़ाता तो मेरे पाक नबी ने सलाम पहले दिया नमाज बाद में पढ़ाई तो मेरे जुमले को याद रखना तुम और हो मोहम्मद और है तेरी नमाज
होगी जब तक रसूल का सलाम ना करे और मेरे नबी की नमाज शुरू नहीं होगी जब तक फातिमा को सलाम ना करे। तुम्हारे पास दलील बन के आया है, क्या बन के आया है? दलील बन के आया है। तो मोहम्मद है बुरहान, मोहम्मद है दलील। इस मेंबर की कसम, इस मजलिस की कसम, तौरात मूसा नहीं है, मूसा तौरात नहीं है, इंजील ईसा नहीं है, ईसा इंजील नहीं है, जबूर दाऊद नहीं है, दाऊद जबूर नहीं है। कायनात में अकेला है जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। मूड खराब तो नहीं है? जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। अब मैंने ये कुछ दावा किया है ना बगैर दलील के नहीं किया। अगर मूड खराब ना हो तो मैं दो आयतें पढ़ लूं, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। सूरह अनाम खड़ा सूरह मुड़ा रखते बोला या विश्व इंदा फिर किताबे कोबीर। अल्लाह कहता कायनात का हर खुशकोतर, कायनात का सारा इल्म कुरान के अंदर। और अपने मोहब्बत के लिए कहता है वो अल्लाह का मानव तक आलम मेरे हबीब कायनात में जो कुछ था वो हमने तेरे अंदर समेट दिया। तब जैसा कुरान वैसा मोहब्बत, जैसा मोहब्बत वैसा कुरान, सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहब्बत में। मालिक कोई और भी है मोहब्बत के अलावा जिसके पास पूरे कुरान का इल्म हो? हमने तो अभी सुना है इनको आयत सूरह राकेह का सूरह आखिरी आयत कोई कसा मिलता है शहीद बनी वगैरह को वो मेरे इंदौर के बन के नाम तेरे मोहब्बत तेरी कमाई के लिए तो काफी है। मैं अल्लाह काफी हूँ और दूसरा वो मेरे इंदौर के बन के नाम वो मन काफी है इसके बाद पूरी किताब का इल्म है। नहीं भाई नहीं ऐसे नहीं। आप अगर मूड ठीक है तो मैं 10-15-20 आयत पढ़ना चाह रहा हूँ। सुना दूँ आयत, सुना दूँ आयत, हाथ खोलेंगे आयत सुनाऊंगा। फैसला क्या हुआ? मोहम्मद के पास सारा इल्म कुरान का, सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। और मोहम्मद के अलावा एक और है सूरह रात तेरवा सूरह वो हमारे अंदर हुए इल्म जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो मालिक उसका नाम नहीं बता देता, नाम नहीं बताऊंगा, बस मैंने उसकी क्वालिटी बता दी। तो हमारे अंदर हुए इल्म के नाम वो मन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मालिक के मन है कौन? क्या पढ़ आयत सुने मरियम लाइक अपने तुम्हें शफा आता एल्ला मैंने पसंद आई मेरे हमारे आता आयामत तो तुम्हें कौन नहीं मुश्किल आएगा। बस एक मन है किसने तेरी बख्शिश का वादा पहले नहीं ले लिया? मालिक हमें भी समझ में नहीं आया क्या पढ़ सुने कहा वो खचा आते में सुना तो मैं रहमान नहीं जाऊंगा इधर ना कर पाऊं शफा तो इल्ला मैं अगर मैं हूं रहमान हूं मैं रजिया मैं हूं कौला जब रहमान की पेशी में सबकी बोलनी बंद होगी सबकी जबानें काप रही होगी तो रहमान के सामने वो मन बोलेगा जिसकी जबान अल्लाह की जबान है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया क्या पढ़ सुने रहमान कौन लोग बना रहे हैं बेगम का वजह रखने का दूर जगाने वाले जनाब जमीन पर सारे खड़ा हो जाएंगे अब वो मन बाकी रहेगा जो अल्लाह का चेहरा है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया क्या पढ़ सुने हबीब वाले यहाँ न बनना होगा यम से बहुत रोशन हो गया है एक मन है जो पर्दे में छुप कर अल्लाह के रसूलों की मदद करता है। मालिक अभी भी समझ में नहीं आया क्या पढ़ सुने वाले वो मेरे नाश नहीं कशी न साहब जलावर
का मूड तो भी खराब हुआ। कमालों का मन है, इसे अपने मन में बसा लेना, अल्लाह मन की मुरादों को पूरा कर देगा। मैंने कहा वो गलील के मैदान में, तो भाई कहना पड़ेगा बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब हुआ। वो मन को तो मला फहाजा अली मला वो हाजा अली और अमला कहा गलील के मैदान में मिला, तो कमाल हो गया जबान के साथ दिल बोला, क्या बोला? वलीद में नबी बोला, क्या बोला? कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? इन नमा का मतलब क्या है कि अगर दरवाजे पे लगा दो तो अपनों को जाने ना दे, गैरों को आने ना दे। अगर मैं मुश्किल बात करूं तो सबके ऊपर से निकल जाएगी। इन्नमा कलमा हसन है, असल सिफत अल मौसूफ के लिए आता है, असल मौसूफ अल सिफत के लिए आता है। इन्नमा बना है इन्ना लिल तहदीर मा लिल नाफिया से मिलके सबके ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं पांच आयतों से समझाऊं कि इन्नमा क्या है तो सबके समझ में आ जाएगी। इन्नमा अल्लाह हो ना हो वाहि ऐसा है अल्लाह ऐसा है कोई मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं सूरह मायदा पांचवा सूरह। इन्नमा कमाल हो गया, इन्नमा खबर वल मसर वल अनसाब वल अनसाब लिकुम रब शैतान जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शहर नहीं। मैं तीसरी आयत पढ़ता हूं सूरह तौबा, इन्नमा मुशरिकु नजस जैसा नजिस मुशरिक वैसा नजिस कोई नहीं। तो फैसला हो गया कि जहां इन्नमा आयत में मिले समझ लेना जैसा ये वैसा कोई नहीं। इन्नमा अदा बशर और मिस्र को बशर को कायदा पे बहुत है लेकिन जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। इन्नमा वलियों को बंदा कैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, कैसा वली नबी वैसा वली कोई नहीं, कैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। तो क्या तुम्हें आयत अभी याद नहीं आई? इन्नमा जुली गुंडा हो लेकिन बात तो मेरी साजन है जैसे पाक बन वैसा पाक कोई नहीं। मालिक का तो पाक नहीं है, क्या तू पाक नहीं है, क्या इब्राहिम पाक नहीं है, क्या मूसा पाक नहीं है, क्या हम ये चोरी खामोश ये सारे नबी पाक है मगर इन्नमा जुली गुंडा खराब हो गया, मूड खराब नहीं है, आगे बढ़ जाऊं मैं।
कुरान तो पढ़ते हैं ना बच्चे, कुरान पढ़ते हो ना, कुरान कुरान पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। और तुम्हारे मौला ने कूफे के मेंबर से कहा था वह इज्जत ना तो हजब वो अंसार हो, कुरान से जुड़े रहना, कुरान अपने पढ़ने वाले को ऐसी इज्जत देता है कि जमाना हार जाए तो हार जाए, कुरान पढ़ने वाला जिंदगी की दौड़ में कभी नहीं हारेगा। तो कुरान की तिलावत कर तो मूड खराब हो गया, खो ना जरा मूड खराब तो नहीं हुआ। कुरान की तिलावत करते हैं ना, कुरान पढ़ा, कुरान निकाल के पढ़ा, और जब कुरान की तिलावत कर ली तो उसे जुजनात में रखा, कपड़े में रखा, गिलास में रखा, कमाल हो गया। क्या कुरान तुम नजिस गिलास में रखोगे, नजिस जुजनात में रखोगे? कहा नहीं भाई, नहीं। क्यों? इसलिए कि सो फसल मुतहरा, कुरान पाक है, नजिस गिलास में नहीं जाएगा, कुरान है पाक, नजिस गिलास में नहीं जाएगा। भाई कमाल हो गया, नियाज का खाना पकाया मजलिस में, नियाज मातम में, नियाज खबरदार, इस उम्मत में से किसी को भी हमसे मिलाने की कोशिश ना करना। मूड खराब हो गया, अपने हाथ बांध लिए, मसाइल शुरू करो। उसको हमसे मिलाने की कोशिश ना करना। ये बात किसी की समझ में आए या ना आए, गली में मांगने वाले की समझ में आ गई। पता नहीं रेना खुद में ऐसा होता है या नहीं होता, उकाना में तो होता है ना ऐसा। मैंने बीबी पाक दामन के मजार पे देखा, अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे देखा, मैं सेवन शहीद गया, लाल भाई के कब्र पे देखा, मजार पे देखा। जब मैं अंदर जा रहा था तो फकीर ने मेरा दामन पकड़ लिया और कलमा सारी नजरे अल्लाह ने आगे हो गए, सारी नजरे अल्लाह। मुझे नहीं पता रेनाना में होता है या नहीं होता, मैंने होता या नहीं होता, मैं सभी ही जानता हूँ। अगर होता है तो नहीं होता या होता है, नहीं होता। मैंने जहां जहां मैं गया वहां वहां मैंने देखा, बीबी पाक दामन के मजार पे भी देखा। मैं मांगने वाला कहता नजरे अल्लाह ने आगे हो गए, पंचकर्म का सदका दे दो, पाकों के नाम पे दे दो। मैंने कभी नहीं देखा कि मांगने वाला फला के नाम पे मांगे, फला के नाम पे मांगे, फला के नाम पे मांगे। जब मांगता है पंचकर्म के नाम पे मांगता है, फला 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 के नाम पे नहीं मांगता। इसलिए कि मांगने वाला जानता है कि भीख भिखारियों के नाम पे नहीं मिलती। कायनात को
जो रिस्क मिल रहा है वो इनके सदके में मिल रहा है। बाबे यूम ने ही रोजे कल बरा, जो वक्त का इमाम है, आखिरी हुज्जत है, उसके सदके में पूरी कायनात को रिस्क मिल रहा है। तो हमने कहा पाक नबी औलाद दे दे, पाक नबी या रसूल अल्लाह औलाद दे दो, रिस्क दे दो, या अली रिस्क दे दो, औलाद दे दो, रिस्क में इजाफा कर दो, या अली नौकरी नहीं है नौकरी लगवा दो। भाई कमाल हो गया, ये नबी और अली अल्लाह थोड़ी है, ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह से मांगो हुकुम ये है। भाई हुकुम ये है कि मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में जो अल्लाह है उससे ना मांगो, लेकिन जो मिन अल्लाह हो उससे मांगने में तकलीफ क्या है। मिन दुनिल्लाह और है, मिन अल्लाह और है, तो नूर तो नहीं खराब हुआ। अब मुझे नहीं पता कि रिठे ना आ गया मैं, रिठे अल्लाह के मुसलमानों का अकीदा क्या है, कि या रसूल अल्लाह कहना चाहिए या नहीं, नबी से मांगना चाहिए या नहीं, अली से मांगना चाहिए या नहीं, भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुरान की आयतें हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्ला जाके गर्दन, वल्ला से जाके लश्कर, वस्सा में खाने सबक, वस्सा में खाने सबक, हर कोटा पे आते आते, अल्लाह तेरा कसम है, रोजी देने वाले फरिश्तों की कसम है, अल्लाह उड़ाने वाले फरिश्तों की कसम है, बारिश बरसाने वाले फरिश्तों की कसम है, औलाद देने वाले फरिश्तों की कसम है, जिंदगी देने वाले फरिश्तों की। ये छोटे छोटे काम फरिश्ते करते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया सभी शिया दोनों के नामों में या अली वाले बनाए का तो होता होना, अली ये छोटे छोटे फरिश्ते हमारे नौकर हैं, तो नाराज क्यों होते हो, और उन नौकरों से मांगो हमें मालिकों से दे दे दो। दामन बयान को समेट लिया, मूड खराब तो नहीं हुआ। अगर इजाजत देते हो दो तीन आयतें और पढ़ दूं, कमाल हो गया। कुरान तो उनका सुना, उसका पड़ोस में जाके सुना, कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े काम के जो मेरे साथ है ना, किसी शजर खबीसा की खबीस क्या ने अली से कहा कि अली तुम्हें नाज किस बात पे है, तुम्हें नाज और घमंड किस बात पे है, तुम भी अब्दे मनाफ से, हम भी अब्दे मनाफ से, तुम्हारा और हमारा शजरा एक है। अली ने उसको जवाब दिया कि भाई क्या तुम शजरा शजरा कर रहे हो, तुम्हारा शजरे से वास्ता क्या है। ये मेंबर पाक नाम लेने की जगह है, जो मनहूस नाम लेने की जगह नहीं है। खत लिखा उसने, खत लिखा अली से, कहा खत लिखा कि अली तुम भी अब्दे मनाफ से हो, हम भी अब्दे मनाफ से, तुम्हारे और हमारे फोर फादर ऊपर जाके तो एक ही है, तो तुम्हें इतना नाच किस बात पे होता है। अली ने जो जवाब दिया है तहलुबनागा में आज तक मौजूद है, सुना तू जवाब में छोड़ दो, आपके हाथ खुलेंगे तो मैं सुनाऊंगा ना, पीछे वालों का मूड खराब हो नहीं है। नहजुलबलागा में जो मक्तूबात का पोर्शन है, सुजूद का जो पोर्शन है, उसमें अली का जवाब लिखा हुआ है, जवाब दिया अली ने कि क्या शकरा शकरा लगाया हुआ है, सर वल्ला के लैसा हुआ के तुम का हाशिम वल्ला हर तुम का आपने मुतल वल्ला अबू सुफियान का अभी तालिब वल्ला मुहाजिरों का तालिब, कान खोल के सुन लो, उमर के हाशिम के बराबर नहीं, हर वक्त मुतल के बराबर नहीं, आजाद करने वाला गुलाम के बराबर नहीं, हमने आजाद किया है तू गुलाम है, और अब अली का जो काफर हो कहने लगे मैं नबी हूं, वो मेरी कबूल न कर सके, नबी हमारे खानदान से आया, उसका छुटकाने वाला तेरे खानदान से आया, मैं ना सदुल्ला वो मैं को फजर अल्लाह, हमजा शेर खुदा हमारे खानदान में है, कबीलों को लगवाने वाले शेर तेरे खानदान में है, मैं ना सैयदा शबाब अहले जन्नत वो मैं को सकिया तकदार, जन्नत के जवानों का सरदार मेरे खानदान में है, जहन्नम के लड़के तेरे खानदान में है, और अब आखिरी जुमला अली ना सुनो, मैं ना खैर निफाय आलमीन वो मैं को मुल हमारे कुल हदब आलमीन की औरतों की सरदार Allah 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 Allah
खत्म हो गई मेरी बात भाई, कमाल हो गया। तो मन है जो अक्षवाएगा, कैसे ये है वैसा कोई नहीं है। मन है जो बख्शवाएगा, मन है जो कब्र में आएगा। हम मरते नहीं है, मरता तो वो है जिसका मुर्शिद मर जाए। मरता वो है जिसका साईं मर जाए। हमारा तो इंतकाल होता है यहां से वहां, और हम अपना बादशाह भी नहीं बदलते। जो बादशाह यहाँ पर है वही बादशाह वहां पर है। थक गए हैं आप, मैंने खत्म किया। एक एक आयत पढ़नी थी मुझे, उसके लिए मैं तभी बना रहा हूँ। पढ़ दो एक आयत भाई। कमाल हो गया। अल्लाह की बारगाह में पेशियां दो हैं। अल्लाह की बारगाह में पेशियां दो हैं। पहली पेशी का नाम है कब्र और दूसरी पेशी का नाम है हश्र। पेशियां कितनी है? दो है। पहली पेशी का नाम कब्र है, दूसरी पेशी का नाम हशर है। अल्लाह पहली पेशी पर नमाज रोजा नहीं पूछेगा। कसम खा के कह रहा हूं, मैं कोई हद की बात नहीं करता। अल्लाह कब्र में नमाज रोजा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? पूछो क्यों नहीं पूछेगा? 36वां सूरा बारहवीं है। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम। अल्लाह कहता है हम मरने वाले के नामाए आमाल लिखते रहते हैं। अगर कब्र में नमाज रोजा पूछ लिया और उसकी नमाज रोजा कज़ा हो गई थी, रह गई थी, तो फिर अल्लाह उसके नामाए आमाल लिखेगा क्या? नहीं आई समझ में बात? ऊपर से निकल गए मेरे जवान भाइयों के। अभी मैं आसान कर रहा हूँ भाई। मरने वाला मर गया, कुछ नमाजें रह गई थी खुदा ना खास्ता, तो उसके वारिस क्या करते हैं? पैसे देकर उसकी तरफ से नमाजें पढ़वाते हैं, वो मरने वाले के वारिस पर ट्रांसफर हो जाती है। कुछ रोजे रह गए थे, वारिस ने उसकी तरफ से पैसे देकर रोजे रखवाए, वो मरने वाले के खाते में ट्रांसफर हो गए। भाई कमाल हो गया। तो अल्लाह तो नामाए आमाल मरने के बाद भी दिख रहा है ना, उसकी नमाजें आ रही है, उसके रोजे आ रहे हैं। तो कब्र में नमाज रोजा नहीं पूछेगा, नमाज रोजा पूछेगा कयामत में, ताकि अभी का आप जिए सलामत रहे, ताकि अगर इनका मरीज रह जाए तो वारिस पूरा करवा के खाते में भेज दे। नमाजें रह गई थी, वारिस ने खाते में ट्रांसफर करवा दी। रोजे रह गए थे, वारिस ने खाते में ट्रांसफर करवा दिए। हज नहीं किया था, वारिस ने हज के बदल करवाया। उम्र घूम गए खाते में, वारिस का जब तक मरने वाले के खाते में ट्रांसफर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मरने वाला मर गया लेकिन उसने अली मरी उमदा नहीं कहा था, तो क्या पैसा दे के किसी से कलमा पढ़वाओगे? तो अल्लाह भी कमाल हो गया। अकीदा तो खुद लेके जाना है, अकीदा ट्रांसफर। आम जी मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया भाई। हाजिर मान अभी आम जी सलामत रहे, बड़े बड़े निकलो। अकीदा ट्रांसफर नहीं होता तो कब्र में भी अल्लाह कब्र में अकीदा पूछेगा, कयामत में आमाल पूछेगा। और अकीदे का कब्र में सवाल होगा क्या? हां, कब्र में अकीदे का सवाल क्या होगा? फरिश्ते आए और कहने लगे हम क्या चौहरी मन रखो तेरा रब कौन, हम क्या चौहरी तेरा रब कौन? अगर मैंने राम भगवान कृष्ण का नाम लिए तो फरिश्ते कहते मालिक ये मुशरिक है। दूसरा सवाल मन नबी हो तेरा नबी कौन? अगर उल्टे सीधे लोगों के नाम लिए तो फरिश्ते कहते आधा काफिर, ये तो पक्का काफिर है। तीसरा अकीदे का सवाल मन ए बाबो तेरा इमाम कौन? अगर ऊंट बटाक लोगों के नाम लिए तो फरिश्ते कहते देख रहा हूँ तो बड़ा जब आता तो आपको आपकी ज़ियारत होती थी। तो आपकी आयत क्या है? वो अकीदे में बांध के ले जाती है, कहानी नहीं कोड़ा।
मूड खराब हो गया भाई, ये नीचे कर रही है मोबाइल, नीचे कर रही है, वीडियो बन रही है, मेरी तरफ तो बच्चे रहे, मेरी तरफ जो मैं बच्चों को मारे लिए फोड़ रहा हूँ, तो मैं कुरान सुनाने आया हूँ ताकि क्या तुम सामने वाले से बात करो और उसको आए को फिराए के सुनाओ, आए को फिराए के सुनाओ। सूरह काफ में आप दिए सलावत है, सूरह काफ में मेरी तरफ तो बच्चे रहे, आगे चले गए पीछे तक सब मेरी तरफ तो बच्चे रहे। छोटी सी आएगा सूरह काफ में, अल्लाह अपने पहली पेशी में क्या पूछेगा अकीदा, दूसरी पेशी में पीछे में क्या होगा, मैदान हशर में क्या होगा, तो सूरह काफ में अल्लाह का नाम सरदार है, नबी ने ये नहीं कहा कि फातिमा जन्नती है, नहीं, फातिमा जन्नत वालों की सरदार है। मेरे नबी ने फैसला कर दिया फातिमा है जन्नत वालों की सरदार। अब कोई भी औरत कितनी ही वीआईपी क्यों ना हो, फातिमा की गुलामी करके तो जन्नत में जाएगी, झगड़ा करके नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने दामन बयान को समेट दिया, वो जिसके पास पूरी उम्मत का हक शफात हो। रसूल के इंतकाल के बाद मुसलमानों ने क्या किया उस बीवी के साथ, माँ दरबार में रोती हुई गई, बेटी बाजार में रोती हुई गई। सदाएं बुलंद हो गई आपकी, उस बीवी का मातम करने जमा हुए हो। मेरे पास जुमले नहीं है, कोई जुमला मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मशहूर शेर जो बीवी ने खुद पढ़ा, वो शेर तो याद होगा कि बाबा के इंतकाल के बाद आई कब्र मुतहर रसूल पर, सलाम अलैक या बता,
बाबा आप पर मेरा सलाम हो, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। और आवाज दी सुब्बत अलैया मसाइब हो नौवंदहा सुब्बत अलैया में सिन लयालिया। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती सिर न लया लिया तो अंधेरी रातों में तब्दील हो जाती। फातिमा जहरा नहीं खुदा तुम्हें आबाद रखे, शहजादी जैनब बयान करती हैं कि मेरी माँ 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही और किसी ने नहीं पूछा कि फातिमा थक गई हो बैठ जाओ। ये वही मकाम है कि जहां रसूल बैठे होते, बेटी आती रसूल एहतराम में खड़े हो जाते, अपनी जगह पे बैठाते, फातिमा के हाथ चूमते। ये वही बीबी है। जमाना कैसा बदल गया, जुमला सुना खुदा तुम्हें आबाद रखे, 2-3 जुमले सुन लो। शहजादी जैनब का सिन है 5 बरस का, 5 साल की है बीवी जब माँ के साथ दरबार में गई। बीवी बयान करती है कि मेरी माँ रोती हुई दरबार से पलटी, रोती हुई पलटी, और उसके बाद भैया हसन का हाथ थामा और किसी से कुछ तहरीर लिखवाई, बाप के लिए किसी से तहरीर लिखवाई। जुमला सुनोगे, उसने तहरीर लेके दी, कागज लेके दिया, बीबी ने कागज थामा, हसन का हाथ हाथ में है और गली से गुजर रही है, कोई मलहून रास्ते में मिला, इससे ज्यादा मैं वाजे नहीं कर सकता, कोई मिला और उसने बीबी से वो कागज लिया और तहरीर ली और उस पर लुआबे दहन फेंका। उस मलहून ने उस तहरीर पे लुआबे दहन फेंका और धाड़ के उस तहरीर को जमीन पर फेंक दिया। अब इसके बाद हसन का जुमला सुनोगे कि उस जालिम ने, उस मलहून ने मेरी माँ के साथ ऐसी गुस्ताखी की कि मेरी माँ का सर दीवार से टकराया, जमीन में गिर गई। बीबी जमीन पे गिरी हुई है। सुन लिया जुमला तुमने और बर्दाश्त कर लिया, अब मुझे माफ करना। करबला तुम सुनते हो, बार बार सुनते हो, जब तक जिंदा हो सुनते रहोगे। तीनों की तकलीफ एक तरफ, नैजों की तकलीफ एक तरफ, तलवारों की तकलीफ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ एक तरफ, और किसी बेटे के सामने उसकी मासूम माँ को तमाशा मारा जाना। मेरी माँ के मुसल्ले पर कोई सफेद बालों वाली औरत बैठी हुई रो रही थी। जैनब ने पुकारा, अंकल को हम सही फतन बात दिया, ओमी अल मसद ओमी, ऐ बूढ़ी औरत, सफेद बालों वाली औरत, मेरी माँ के मुसल्ले से उठ, अपने घर में जाके रो। सैयदा ने सर उठाया, बेटी अपनी माँ को नहीं पहचाना। जैनब ने चीख मारी, कहा अम्मा 3.5 घंटे में आपके सर के बाल सफेद हो गए। और वो कर कहा, बेटी इसकी खबर तुझे उस वक्त होगी जब तू शाम के दरबार जाएगी। नबीजादिया जब दरबार जाती है तो मर जाती है। अजरों को मन अल्लाह पुरुषा दे रहे हो, शर्म करके पुरुषा ना देना। 12 महीने इस माँ को पुरसा देते हो इसके गरीब बच्चे का। और ये जो अय्याम है ना, ये वो अय्याम है जिसमें हुसैन को पुरसा देना है उस दुखियारी माँ का, जिसने चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला था। सुन लिया जुमला, शर्म करके पुरसा ना देना। कहीं कहीं जैनब कयामत में तुमसे शिकवा ना करे कि क्या मेरी माँ की मुसीबत इस काबिल नहीं थी कि उस पे बलद आवाज से गिरिया दिया जा सके। सुनो, एक
नजफ के, अशरफ के नजफ के बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था सैयद मोहसिन हकीम दाबादाबादी, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनके घर में बीबी की शहादत की मजलिस हो रही थी। जुमला सुनना, ये आखिरी जुमला है। भरा हुआ घर है उनका, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, जाकिर मिंबर से बीवी की मसाइल पढ़ रहा है, बीवी की शहादत बयान कर रहा है। सैयद मोहसिन हकीम दाबादाबादी, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, और जाकिर का नाम है शेख साले, वो मिंबर से बीवी की शहादत पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते जाकिर ने कहा बड़े बड़े लोगों से, ऐ सैयदजादो, क्या आपको पता है कि आपकी जद्दा की शहादत कैसे हुई? आपने यही सुना है ना कि आपकी जद्दा की शहादत जलते हुए दरवाजे के गिरने से हुई? ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब वो जलता हुआ दरवाजा बीबी पे गिरा है, तो उसने लोहे की मेज थी, जुमला सुना रिवायत था, उसमें लोहे की कील थी, उसे रख फातिमा को पैदल बाग वंजदार, बीबी दीवार और दरवाजे के दरमियान फीस ली गई, और अकेले जमीन पे नहीं गिरी, एक बच्चा भी जमीन पे गिरा। बस आखिरी जुमला सुन ला। पहलू जख्मी हुआ, पहलू शिकस्ता है, सैयदा का पहलू शिकस्ता है। जुमला सुनो, अली जब गुस्ल दे रहे थे ना, अली पानी डालते जाते हैं बीवी पे और रोते जाते हैं। एक मरतबा अली ने पानी डालते डालते चीखे मार के रोना शुरू कर दिया, चीख चीख कर रोने लगे। पीछे से सलमान ने आवाज दी, मौला आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप चीख चीख कर रो रहे हैं? अली का जुमला सुनोगे, कहने लगे अब की ने जरब से याद आ जाए देखा, अरे मैं चाहता तो हूं कि सब्र कर जाऊं, मगर कोड़ों के निशान और टूटी हुई फसलियां मुझे सब्र नहीं करने देती। सल्लल्लाहु अलैहि हय्यतु हस्सदीकतु शहीदा। जुमला सुनोगे, एक आखिरी जुमला सुना दूं। सलमान कहते हैं मेरे मौला ने मुझसे खुद बयान किया कि जब बीवी दरवाजे और दीवार के दरमियान इसी गई जमीन में गिरी थी, तो जालिम ने गिलाफ में बंद तलवार निकाली और बीबी की पुश्त पे मारी, हाथ टूट गया। अली दौड़ते हुए पहुंचे, बीबी टूटे हुए हाथ को उठा रही थी, बदुआ के लिए इतने में मुअज्जिन ने अज़ान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अली ने कहा बीबी अगर बदुआ कर दी तो आपके बाबा का कोई नाम लेने वाला ना होगा। टूटे हुए हाथ को गिरते हुए हाथ से बीबी ने एक जुमला कहा, बारे यहां हम रहे न रहे हमारे बाबा की आवाज बाकी रहे। अली गुस्ल दे रहे हैं और रोते जा रहे हैं चीखें मार मार के, इन्नी ग़स्सल्तुहा फी थियाबिहा। अली ने बीबी को बीबी के लिबास ही में गुस्ल दिया, बीबी को बीबी के लिबास ही में गुस्ल दिया, कफन पहनाया। एक तीन आले मोहम्मद के जुमला सुनना, बीबी को बीबी के लिबास में गुस्ल दिया, उसके बाद कफन पहनाया। आले मोहम्मद में तीन बड़े अजीब जनाजे हैं, जो जिस हाल में थे उसी हाल में दफनाए गए। सैयदा अपने लिबास के साथ दफनाई गई, मेरा सातवां इमाम अपनी जंजीरों के लंगर के साथ दफनाया गया, और तीसरा नाशा वो है हुसैन की यतीम बच्ची अपने फटे हुए घुटने के साथ दफनाई गई। ईमान है उनके, उनको शफाए कामिला अजल अता फरमा, हमें उस भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना बेटा अजीम फरमा। अंता इलाही व सय्यदी व मौलाया, इग़फिर ला औलियाना व कुफ़ अन्ना अअदाना व अजमलहुम नदाना व अज़हिर कलिमतल हक व वज़अल लिया वाज़िअ कलिमतल बातिल व वज़अल सुफ़्ला इन्नका अला कुल्ले शय्इन क़दीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।